अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे तमाम रिस्पेक्टेबल सामिन तालिबे इल्म भाइयों, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नंबर 7 पार्ट कंजंक्शन के बारे में बात करनी है। कंजंक्शन को हम लिंकिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। लिंकिंग वर्ड्स की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। लिंकिंग वर्ड्स जॉइन अदर वर्ड्स एंड फ्रेजिज टुगेदर। लिंकिंग वर्ड्स दूसरे लफ्ज़ों और मुहावरों को आपस में जोड़ते हैं। लिंकिंग वर्ड्स की कितनी किस्में हैं, लिंकिंग वर्ड्स की कितनी इकसाम है, लिंकिंग वर्ड्स की तीन इकसाम हैं, तीन किस्में हैं। नंबर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर टू सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर थ्री कोरिलेटिव कंजंक्शन। नंबर वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर एंड नॉर बट, और नंबर टू सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर आल्दो इवन दो एस एवर टाइम, नंबर थ्री कोरिलेटिव कंजंक्शन नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड। ये कंजंक्शन की थ्री काइंड्स हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आपको कंजंक्शन वर्ड एंड की एग्जांपल देता हूँ। असलम और अकरम स्कूल जा रहे हैं। असलम एंड अकरम आर गोइंग टू स्कूल। इस फिक्रे में कंजंक्शन वर्ड एंड ने दो वर्ड्स आपस में जोड़े हैं। कंजंक्शन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दो वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ना होता है, इकट्ठा करना होता है। अब हम कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वर्ड बट का इस्तेमाल करते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा लेकिन क्लास नहीं लूंगा। आई विल गो टू स्कूल बट आई विल नॉट अटेंड द क्लास। ये नंबर वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल थी। इसी तरह आपने नंबर टू सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह आपने नंबर थ्री कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल करने हैं। और इन कंजंक्शन का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ आप लफ्ज़ों को जोड़ने और मुहावरों को जोड़ने के लिए ही कर सकते हो। आज के सबक में हमारा काम कंजंक्शन का तारफ करना था, कंजंक्शन को समझना था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।